हेलो गाइस वेलकम टू सी के अकेडमी आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें एक ये एक नया सीरीज मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मैं इंग्लिश पोएम्स उस पोएट्स ड्रामा ड्रामेटिस्ट अमेरिकन पोएम पोएट्स अमेरिकन ड्रामा ड्रामेटिस्ट नावल नावलिस्ट से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि अलेवन्थ ट्वेल्थ के साथ साथ टी जी और सी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसको लेकर आया हूँ चलिए पहला ये सीरीज इस सीरीज का पहला ये वीडियो है और आगे भी मैं इस पर वीडियो बनाता रहूँगा और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चलिए पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द रेप ऑफ द लॉक द रेप ऑफ द लॉक जो लॉन्ग नरेटिव पोएम है इसके ऑथर यानी कि इसके कवि कौन है ऑप्शन है अलेक्जेंडर पोप डब्ल्यू बी एट्स टी एस एलियट विलियम ब्लैक तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर पोप क्वेश्चन नंबर टू है हु हैज़ कम्पोज द पोयम ओ टू द वेस्ट विंड ओ टू द वेस्ट विंड कविता को किसने रचा है ऑप्शन नंबर ए है डब्ल्यू बी ऑप्शन नंबर बी जी एम हॉपकिंस ऑप्शन नंबर सी है स्पेंसर और ऑप्शन नंबर डी है पी बी तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी पी बी शैली नंबर थ्री क्वेश्चन है द पोएम द वेस्ट लैंड हैज़ बिन कम्पोज बाय वेस्टलैंड कविता को किसने रचा है ऑप्शन नंबर ए पी बी ऑप्शन नंबर बी टी एस एलियट ऑप्शन नंबर सी है डब्ल्यू बी एट्स ऑप्शन नंबर डी है जॉन मिल्टन तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी टी एस नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं चौथा क्वेश्चन है हु इज द पोएट इन ऑफ द लॉन्ग नरेटिव पोएम पियर्स प्लोमैन पियर्स प्लोमैन जो कि लॉन्ग नरेटिव पोएम है इसके कवि कौन है तो पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए लैंगलैंड ऑप्शन नंबर बी स्पेंसर ऑप्शन नंबर सी चौसर ऑप्शन नंबर डी ड्राइडन तो इसका सही जवाब होगा लैंगलैंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द प्रिल्यूड इज रिटन बाय द प्रिल्यूड को किसने लिखा है ऑप्शन नंबर ए है अलेक्जेंडर पोप ऑप्शन नंबर बी मैथ्यू आर्नाल्ड ऑप्शन नंबर सी विलियम वर्ड्सवर्थ ऑप्शन नंबर डी विलियम शेक्सपियर तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम वाट्सवर्थ विलियम वाट्सवर्थ ने द्ल्यूड लिखा था नेक्स्ट है द माई लास्ट डचेज ये सिक्स क्वेश्चन है इज ए पोएम ऑफ माई लास्ट डचेज किसकी कविता है लॉग टेनिसन का ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट ब्राउनिंग का ऑप्शन नंबर सी है विलियम ब्लैक का और ऑप्शन नंबर डी है टी एस एलियट का तो आपको बताना है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रॉबर्ट ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपोज द पोएम द टावर द टावर कविता को किसने रचा है ऑप्शन नंबर ए है टी एस एलियट ऑप्शन नंबर बी है पी बी शैली ऑप्शन नंबर सी है जॉन ड्राइडन ऑप्शन नंबर डी है डब्ल्यू बी एट्स तो इसका सही जवाब होगा डब्ल्यू बी एट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक पोएम द फेरी क्वीन ज बीन कंपोज बाई डैश इपिक पोयम फैरी क्वीन को किसने रचा है ऑप्शन नंबर ए जॉन मिल्टन ऑप्शन नंबर बी ड्राइडन ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिसन और ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी स्पेंसर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द कंटरी टेल्स द कंटरी टेल्स के ऑथर यानी कि इसके रचयिता कौन है ऑप्शन नंबर ए है जॉन ड्राइडन ऑप्शन नंबर बी है जॉफरी चौसर ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउनिंग ऑप्शन नंबर डी है मैथ्यू आर्नॉल्ड तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी जॉफरी चौसर नेक्स्ट क्वेश्चन है द द स्कॉलर जिप्सी इज़ ए पोएम कंपोज बाय द जिप्सी एक कविता है और इसके रचिता कौन है ए ऑप्शन नंबर में है मैथ्यू ऑर्नोल्ड बी है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सी है जॉन डन और डी है जॉन किट्स तो इसका सही जवाब है मैथ्यू आर्नोल्ड द स्कॉलरशिप के कंपोजर यानी कि इसको रचिता मैथ्यू आर्नोल्ड है थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर फॉर मोर सच वीडियोज इन दिस सेशन और ऐसा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस सीरीज़ में और भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इसको शेयर भी करें ताकि मैं और भी इस तरह के वीडियो बनाकर डालता रहूँ आज के लिए बस इतना ही गुड बाय हैव अ नाइस